लूसी ट्रूम स्टेट के सबसे अमीर लोगों की बेटी है। वो आलीशान घर में रहती है और हर सुबह उसके लिए किसी फेरी टेल जैसी होती है। अच्छा लग रहा है, शुक्रिया एरिक, काफी है। जैसा आप कहें, अब मैं नाश्ता करने के लिए तैयार हूँ। और ये है मिस्टर व्हाइट, लूसी के डैड। गुड मॉर्निंग डैडी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग बेटी, चलो नाश्ता कर लो। आपका नाश्ता, शुक्रिया एरिक। इससे बेहतर जिंदगी नहीं हो सकती। मिसेस व्हाइट से मिलो, लूसी की मॉम। हनी, हमारे पास पैसों के लिए और जगह नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी बहन आने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ। ये कौन सी बहन? तुम समझ नहीं पाई, मैं कब से इसका सपना देख रही हूँ। तुम क्या कहती हो? वो बहुत समय से बहन के लिए बोल रही है। लगता है लूसी के पेरेंट्स ने उसकी विश पूरी करने का सोच लिया है। हमें अपनी बेटी यहाँ मिल जाएगी। अंदर चलो हनी। जोई, शांत हो जाओ प्रिंसिपल। बहुत हुआ, तुम्हें शर्म नहीं आती? हे, मेरे बालों से हाथ हटाओ। मैं ये वाटर गन ले रहा हूँ। ओह हेलो मिस्टर और मिसेस व्हाइट, भोला भाला चेहरा बना लेती हूँ। आपको हमारे ऑर्फनेज में देखकर बहुत खुशी हुई। वो कितनी प्यारी है। वो हो, बहुत खुशी हुई। जरा उसे देखो, बस थोड़ा सा और फिर वो पिघल जाएंगे। चलो उसे गोद लेते हैं। खैर चलो पेपर वर्क पूरा करते हैं। मिस्टर व्हाइट यहाँ साइन करो। यहाँ हो गया। मुबारक हो, आप हमारी प्यारी जोई के पेरेंट्स बन गए हैं। जोई मुबारक हो। आखिरकार अपने पेपर्स मत भूलना। आउच, लगता है व्हाइट परिवार को इस शैतान से बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं। क्या? मेरी घड़ी, रुको। अंदर आओ जोई, तुम्हारे नए घर में स्वागत है। ये एरिक है, हमारा नौकर। हेलो जोई। हे, मैं तुम्हारी चीजें पकड़ लेता हूँ। ये लो। क्या ये स्कल है? मेरे ख्याल से इसका खिलौना है। चलो जोई, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि अब हमारी दो बेटियां हैं। ये घर कितना शानदार है। ये मेरा है, विश्वास नहीं होता। वाह, ऐसे सोफे मैंने सिर्फ मूवीज में देखे थे। कितना अलग ग्लास है। एक दो तीन ग्लासेस, और ये रहा पानी। चलो ट्राई करती हूँ। चलो, ये अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, तुम समय के साथ सब सीख जाओगी। तुम्हें चलकर लूसी से मिलना चाहिए। हेलो बहन। हाँ, ओ ओ ओ, अब मेरे पास बड़ा बेड है। पर पर्दे यहाँ क्या कर रहे हैं? मॉम, पर ये मेरा बेड है। कोई दिक्कत नहीं हनी, हम इसे संभाल लेंगे। हाँ, लूसी ने ऐसी बहन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा होगा। पिलोस का धमाका। ओह ये तुम हो, है ना? ओह ये बड़ा टेडी बियर मेरी बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए सही रहेगा। एक अच्छी तमीज वाली बिलियनेयर की बेटी के लिए ऐसी बदमाश लड़की के साथ रहना काफी मुश्किल होगा। एरिक, उसे लेकर आओ। मैं आ गया मिस्टर व्हाइट। स्केलेटन? सच में? वाह, ये कितना कूल है। ये आज तक का बेस्ट गिफ्ट है। एरिक, इस रूम में अब दो बेड्स होने चाहिए। समझ गया, हो जाएगा। क्या चल रहा है? कौन छींक रहा है? क्या? अच्छू, हाँ हाँ मैं उठ गई। इसे बंद करो, इतनी जल्दी कौन उठता है? तुम क्या कर रहे हो? बताओ तुम्हें किसने भेजा है जासूस? आउच, मुझे जाने दो। ये बस तुम्हें मसाज देना चाह रहा है। कैसी मसाज? इसे वर्कआउट कहते हैं। ये क्या था? जैसे किसी फायर वर्क की आवाज हो। कौन सी लड़की इतनी सुबह पटाखे जला रही है? शुक्रिया रिक। ये कितना कमाल है, मुझे कोई चूटी काटो। मैं पक्का सपना देख रही हूँ, इतने सारे जार्स। ओह ये क्या है? ओह मामी, अच्छा वहाँ क्या चल रहा है? शुक्रिया रिक। नाश्ता? हे, इसे मत छो, ये मैं करूँगी। एक अंडे के लिए इतना तामझाम, ठीक है। तुम इसे कैसे खाते हो? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं।
हमारा शेफ रोड्रिगो बेहतरीन अंडे बनाता है, तुम्हें ये पसंद आएगा। खाना शुरू करो जोई। क्या ये सच में चम्मच है? ठीक है, चलो शुरू करें। फिर से माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं, खैर जोई को बहुत कुछ सीखना है। म्यूजिक बढ़िया है, हमारी लूसी काफी टैलेंटेड है। लूसी बचपन से ही क्लासिकल म्यूजिक सीख रही है। क्या ये जोई है? उस पर ध्यान मत दो लूसी, उस पर ध्यान ना देना काफी मुश्किल है। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है और जोई से बात करता हूँ। खैर, आप इस बदमाश लड़की से क्लासिकल म्यूजिक की उम्मीद कर भी नहीं सकते। मैं भी बदमाश हुआ करता था और मैं भी अंडरग्राउंड स्टाइल जैसी जगहों पर गया हूँ। मेरे पास दुनिया के सारे मौके हैं। मैं अपने सारे सपने पूरे करूँगा, बस मेरे शब्द याद रखना। रॉक हमेशा मेरे दिल में रहेगा। रॉक आजादी, सच्चे दोस्त, तुम्हें खुशी के लिए और क्या चाहिए? ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या ये सही में तेज होते जा रहा है? चलो लूसी, हम चलकर देखते हैं। यहाँ क्या चल रहा है? सबसे कूल चीज जो आपने सुनी होगी वो है ओल्ड स्कूल रॉक, दुनिया में सबसे बेस्ट। ओह रॉबर्ट, वो कितना बढ़िया समय था। ये गिटार बजाने वाला कितना प्यारा है। क्या लड़की है, इसे पकड़ो दोस्त, मुझे उससे मिलना चाहिए। तुम इस फूल की तरह सुंदर हो। नहीं, तुम इससे 100 गुना बेहतर हो। शुक्रिया। मैं हूँ इस शहर का सबसे खुश इंसान, क्योंकि मुझे मिला है सोफी ब्राउन के प्यार का एहसान। मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे ऐसा म्यूजिक कितना पसंद है। मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए या कोई आलीशान घर। मुझे ऐसे मत देखो, जिंदगी हर रूप में अच्छी है। किसने सोचा था कि जोई इस परिवार के लिए बढ़िया होगी? रॉक फॉरएवर। जोई, हमें थोड़ी देर के लिए कहीं जाना है। जब तक हम वापस नहीं आते, तुम ड्राइंग कर सकती हो। अच्छा बर्ताव करना मेरी लड़की, बाय बाय। ये नहीं, ये बोरिंग है। कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। लगता है जोई की आत्मा ही क्रिएटिविटी से भरी हुई है, तो वो इस तरह मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के मास्टरपीसेस बनाते हैं। याहू, ठीक है, मैं मानती हूँ ये मजेदार है। मैं और कहाँ पेंट कर सकती हूँ? ओह, ये कैनवस बढ़िया है। ये काफी बेहतर है, मुझे और चाहिए। और मैं इन सब का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, मेरे पास बहुत सारा काम है। ये कितने सीरियस हैं? मुझे आपको थोड़ा मजेदार बनाना होगा। मिस्टर व्हाइट के पूर्वजों को शायद ही अपने पोर्ट्रेट पर ये चीजें पसंद आती। इसमें गलत क्या है? मैं एक आर्टिस्ट हूँ और ये मेरा अंदाज है, और मेरे पास एक और क्रिएटिव आइडिया है। बच्चों, हम घर आ गए। रॉबर्ट, जोई में तो टैलेंट है। उसकी पेंटिंग $29 मिलियन वाली से कम नहीं है। सोफी, देखो हमारी फैमिली फोटो। वो ऐसा कैसे कर सकती है? हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मेरे फैमिली पोर्ट्रेट्स। हे भगवान, सांस लो सोफी, हम इन्हें कैसे भी करके ठीक करवा लेंगे। बेचारा ग्रैंडपा रॉबर्ट द 9th, ये बहुत ज्यादा हो गया। उसने यहाँ भी सब कुछ पेंट कर दिया। देखो उसने लूसी के साथ क्या किया। बेटा, ओह आप वापस आ गए, आप उदास क्यों हो? खैर बहुत हो गया, अब वो बचेगी नहीं। लगता है जोई बड़ी मुसीबत में है। हेलो, ठीक है, ये मजेदार है। खैर इस बार जोई की किस्मत साथ दे गई। शुक्रिया नौकर एरिक। हेल्दी शरीर और हेल्दी दिमाग। वहाँ कौन है? मेरे हाथ को क्या हुआ है? आह, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं गोल्ड स्टैचू में बदल रही हूँ। आह, ये एक सपना था, है ना? क्या मैं ठीक हूँ? जोई, जल्दी, हमें फोटोशूट के लिए देरी हो रही है। मैं आ रही हूँ। ओह, ये असली है। गुड आफ्टरनून, यहाँ आइए, आराम से खड़े हो जाइए। चलो शूटिंग शुरू करते हैं। जोई इस वी आर परफेक्ट फोटोशूट से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही। देखो कैसी फोटोज आई हैं। जोई, हनी क्या हुआ?
हाँ ये बोरिंग है, हमें इन फोटोज को और अच्छा बनाना होगा। कुछ और मजेदार करो। ठीक है चलो ट्राई करते हैं। जोई को ये फोटोज पसंद आएंगी, पर बाकी परिवार का क्या? तुम्हें ये कैसी लगी? मुझे ये बहुत पसंद आई। बढ़िया काम किया यार। क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आई? तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं।